हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माइंड ब्रेन्स आई एम सालिक सालिग मैथ्स एजुकेटर और आज मैं लेकर के आया हूं भाई आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत शानदार फेसिस एजेस एंड वर्टिसेस आज हम पढ़ेंगे फेसिस एजेस एंड वर्टिसेस क्लास सेवन्थ मैथ्स का ये लास्ट चैप्टर है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स जी हाँ इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू थ्री शेप्स थ्री शेप्स क्या होती हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया गया था और स्टूडेंट्स आज आपको पढ़ाया जाएगा फेसिस एजेस एंड वर्टसिस क्या होती हैं स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो ये है फेसिस एजेस वर्टसिस सॉलिड शेप्स की होती है और सॉलिड शेप्स से आपको फैमिलियर कराया था पिछली वाली वीडियो में ऑल राइट right, अगर आपने नहीं देखी भाई वीडियोस तो देख लीजिएगा सबसे पहली वीडियो थी चैप्टर ओवरव्यू की दूसरी वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू तो थ्री शेप्स और ये है भाई इस चैप्टर की तीसरी वीडियो ऑल राइट right, बात हो रही है क्लास सेवन मैथ्स की लास्ट चैप्टर की विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स की जी हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन मैग्नेट ब्रेन अकेला एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको किन्टर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेस सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्टीज से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो और स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं यहां पर लाइव सेशन बिल्कुल फ्री में जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट्स पूछ सकते हो बिल्कुल फ्री और ये सब कुछ मिल जाएगा भाई आपको सी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सी बोर्ड हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एम बोर्ड के लिए और नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर ग्रैप कर लीजिएगा नोट्स चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास आज की फेसिस एजेस एंड वर्टिस तो बात करते हैं भाई पहले फेस की स्टूडेंट्स देखिए ये मेरे पास एक क्यूबॉर्ड है जी हाँ एक क्यूबॉयल बॉक्स है तो इसमें कितने फेस हैं आप ध्यान से देखिए सर इसमें सिक्स फेस हैं टॉप बॉटम फ्रंट बैक साइड वन साइड टू ऑल राइट लेफ्ट साइड राइट साइड सिक्स फेस तो फेस बहुत क्लियर हो गया है फेस आपको पहले से ही पता है डेफिनेशन आपके सामने रखी हुई है फेस अ फ्लैट और अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड फेस मे बी फ्लैट और मे बी कर्वड ऑल राइट, मे बी फ्लैट मे बी कर्व फ्लैट भी हो सकता है कर्ड भी हो सकता है देखिए सिलेंडर है सिलेंडर का फेस ये दोनों फ्लैट होंगे और ये वाला कवड होगा ये फ्लैट ये फ्लैट ये वाला कव तो फ्लैट भी हो सकता है फेस और कवर्ड भी हो सकता है कौन का एक फ्लैट एक फेस फ्लैट होता है और एक कर्ड होता है इस फेयर का सिर्फ एक ही फेस होता है जो कि कव्ड होता है बात समझ में आ रही है समझ में आ गई अच्छे से बात जी हाँ सर बात समझ में आ गई ठीक है बॉस तो बिल्कुल क्लियर है फेस तो इसमें कितने फेस है स्टूडेंट्स देख लीजिएगा आप ये एक क्यूब है एक फेस एक इसका आइडेंटिकल होगा यहां पर एक इसका आइडेंटिकल होगा स्टूडेंट्स इधर ऑल राइट right, कितने हो गए दो फेस एक फेस ये रहा तीन एक इसका आइडेंटिकल होगा एक इसका आइडेंटिकल होगा ये रहा भाई ऑल राइट right, चार एक ये रहा पांच और एक इसका आइडेंटिकल होगा इसके पीछे ठीक तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर सिक्स नंबर ऑफ फेसेस फेसेस आर आर सिक्स सिक्स नंबर ऑफ तो क्यूब में सिक्स फेसेस क्यूबॉइड में सिक्स फेसेस सिलेंडर में थ्री फेसेस कोन में टू फेसेस स्पेयर में ओनली वन फेस समझ में आ रही है बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी रेक्टेंगुलर पिरामिड रेक्टेंगुलर पिरामिड में कितने भाई एक दो तीन चार पांच फेसेस और ट्राइंगुलर पिरामिड में एक दो तीन चार फेसेस ऑल राइट चार फेसेस तीन लेटर एक बेस करेक्ट स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ ठीक है फेस बिल्कुल क्लियर हो गया अगर आपको फेस समझ में आ गया है तो भाई आपको एज समझ में आएगा जी हाँ फेस समझ में आ गया है तो एज भी समझ में आ जाएगा अब एजेस क्या होती है अलाइन सेगमेंट यहां से देखिए अलाइन सेगमेंट अलाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट जहां पर दो फेस जिस लाइन सेगमेंट पर दो फेस आकर मिलते हैं उसको कहते हैं एज देखिए भाई एक फेस ये है टॉप एक फेस ये है फ्रंट ये दोनों, तो ये दोनों फेस कहां पर आकर मिले इस वाली लाइन पे। तो ये दोनों फेस कहां पर आकर मिले इस वाली लाइन पर यह है एज ये दोनों फेस कहाँ आकर मिले इस वाली लाइन पर यह है एज ये दोनों फेस कहाँ आकर मिले इस वाली लाइन पर यह है एज ऑल राइट ये दोनों फेस यहां पर ये दोनों फेस यहां पर ये दोनों फेस यहाँ पर ये दोनों फेस यहाँ पर ये दोनों फेस यहाँ पर आ रही बात समझ जहां पे भी दो फेस आकर मिलते हैं उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं एज बात समझ में आ रही है क्लियर है बिल्कुल तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा सिलेंडर की कितनी एज होती है सिलेंडर की दो एज होती है स्टूडेंट्स कैसे देखिए सिलेंडर की दो एज होती हैं एज वन एज टू और ये एज नहीं होती क्योंकि ये कर्व सरफेस है दो एज होती है बात समझ में आ रही है एजेस बिल्कुल क्लियर है और कोन की सिर्फ एक एज होती है कोन की सिर्फ एक एज होती है कौन सी वाली ये वाली एक एज होती है बस बात समझ में आ रही है तो भाई अब बात करते हैं एज की कितनी एज है वन पहले बात करते हैं लेटरल की लेटरल एजेस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स लेटरल मतलब ऐसे खड़ी खड़ी वन टू थ्री फोर फोर एज लेटरल अब बात करते हैं ऊपर वाले की फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो हाउ मेनी एजेस फेसिस सिक्स एजेस ट्वेल्व फेसिस सिक्स एजेस ट्वेल्व ऑल राइट फेसेस सिक्स एजेस ट्वेल्व तो यहाँ पर अगर मैं क्यूब की बात करूं नंबर ऑफ फेसिस नंबर ऑफ फेसिस नंबर ऑफ फेसिस फेसिस को कहते हैं एफ नंबर नंबर ऑफ ऑफ एजेस, एजेस को कहते हैं ई ऑल राइट ई से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एजेस को नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई भाई ट्वेल्व नंबर ऑफ एजेस ट्वेल्व आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल अब बात करते हैं भाई वर्टेक्स की A corner where edges of ऑफ solid मीट देखिए भाई फेस समझ में आया तो एज समझ में आ जाएगा और एज समझ में आ गया तो वर्टेक्स समझ में आएगा सबसे पहले आपको फेस समझना होगा उसके बाद आपको फेस से एज समझ में आ जाएगा और एज से आपको वर्टेक्स समझ में आ जाएगा A corner where edges मीट देखिए जहां पर फ्लैट जहां पर फेस मीट होंगे जहां पर फेस मीट होंगे वो एज जहां पर एज मीट होगी वो वर्टेक्स जहाँ पर फेस मीट होंगे वो एज जहाँ पर एज मीट होगी वो वर्टेक्स दो एज कहाँ पर आकर मिल रही हैं चलिए दोबारा से उठाते हैं अपने बॉक्स को दो एज कहाँ पर आकर मिल रही हैं स्टूडेंट देखिए एक ये एज एक ये एज इस पॉइंट पर आकर मिल रही है इस वाले पॉइंट पर इस पॉइंट पर आकर मिल रही है एक ये एज एक ये एज यहां आकर मिल रही है एक ये एज एक ये एज यहां आकर मिल रही है एक ये एज एक ये एज यहां आकर मिल रही है ये तीनों यहाँ कर 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 मिल रही है ये तीनों एज ये यहां कर तो कितने वर्टेक्स है भाई वर्टेक्स मतलब सिंगुलर वर्टिस मतलब प्लूरल प्लूरल बात समझ में आई प्लूरल प्लूरल वर्टिस और वर्टेक्स सिंगुलर तो भाई कितने वर्टेक्स है एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर ऑफ वर्टिसेस को कहते हैं वी ये हो गया भाई आपका एट तो स्टूडेंट्स ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ क्यूब की यहां पर क्यूब की बात हो रही थी क्यूबॉइड के लिए भी ये डेटा सेम रहेगा बिकॉज क्यूब इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड क्लियर right. है ये ये फेस वर्टेक्स है यहां पर मैं वर्टेक्स लिख देता हूं ऑल राइट ये बात हो रही है क्यूब की नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब सिक्स नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब ट्वेल्व नंबर ऑफ वर्टेस ऑफ क्यूब एट क्लियर है अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इजिली मुझे आराम से बता सकते हैं कौन क्यूब कौन क्यूबॉइड और सिलेंडर के लिए ऑल राइट right. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन के फेस एज वर्टिसेस कितने होंगे क्यूबॉइड के फेस एज वर्टिसेस कितने होंगे सिलेंडर के फेस एज वर्टिसेस कितने होंगे और स्फेयर के फेस एज वर्टिसेस कितने होंगे स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको एक थोड़ा समझा देता हूँ इधर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत भाई देखिए मैंने बनाई एक शेप सिलेंडर और ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मैंने बनाया भाई एक सिलेंडर यह देखिए ध्यान से ये रहा सिलेंडर फेसेस कितने होंगे भाई नंबर ऑफ फेसेस वन टू और ये कौन सा फेस ये कौन सा फेस कर्व्ड क्लियर है तो आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ऑल राइट कौन के लिए भी कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना इस फेर के लिए भी कमेंट सेक्शन में आप बताना जो भी एक अच्छा आंसर होगा वो आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ऑल राइट right. इस फेयर भी आपको पता है अगर मैं बात करूं प्रिज्म की कौन से वाले प्रिज्म की जो मैंने आपको भी पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में ट्राई एंगुलर प्रिज्म याद आ रहा है ट्राई एंगुलर प्रिज्म आपको पढ़ाया गया था स्टूडेंट्स यस और नो। एंगुलर प्रिज्म के कितने फेस होंगे दो बेस दो आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस, चार और एक पांच फेसिस हो गए भाई पांच वर्टिसेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वर्टिसेस हो गए सिक्स और एजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक सेवन एट और एक नाइन बात समझ में आई जी हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जी हाँ नाइन हो गई आपकी एजेस बात समझ में आ रही है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल ऑल राइट जी हाँ स्टेट्स तो आपको जो भी आपके दिमाग में सीढ़ी शेप आ रही है उसको आप नाम लिखेंगे कॉमेंट सेक्शन में और उसके आप फेसिस एजेस वर्टिस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे एक और जब हमने प्रिज्म लिया एक पैरामिड ले लो भाई एक पैरामिड भी ले लो बताइए ये, ये पैरामिड है कौन सा पैरामिड है स्टूडेंट्स कौन सा पैरामिड है रेक्टेंगुलर पैरामिड है जी हा बेस रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर पिरामिड है कितने फेस होंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड के कितने फेस होंगे एक बेस चार ये पांच चार लेटरल एक बेस वर्टेक्स कितना होगा भाई चार और एक पांच और एज कितनी होगी चार पांच छह सात आठ ऑल राइट right. आ रहा है समझ में जी हाँ स्टूडेंट्स अगर आपको ये बात समझ में आ गई है बढ़िया करके तो बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज जी हाँ एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको समझाने वाला हूं जिससे हम यह पता कर सकते हैं सपोज दैट आपसे आपसे कहा गया कि भाई ये एक फिगर है इसके फेसेस बताओ एजेस बताओ वर्ट बताओ ये एक फिगर है इसके फेसेस बताओ वर्ट बताओ एजेस बताओ नंबर ऑफ फेसेस नंबर ऑफ नंबर ऑफ एजेस और आपसे आता तो है लेकिन आप श्योर नहीं है सपोज करो आप श्योर नहीं है तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है जी हाँ नाइन्टी परसेंट तक आप चेक कर लोगे आपका आंसर ठीक है या नहीं है क्या स्टूडेंट्स कैसे और अगर आपको किसी और आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है किसी और का आपको आंसर चेक करना है तो आप उस फॉर्मूला से वेरीफाई कर लोगे मतलब वो फॉर्मूला जो है भाई वेरीफाई करने के लिए है एक फार्मूला आपको सिखाने वाला हूँ जो कि रिलेशन है नंबर ऑफ फेसिस वर्टिस और एजेस में तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें उसके बाद में आपको वो रिलेशनशिप सिखाने वाला हूं अगर आपके पास फेसेस फाइंड कर सकते हो है तो आप फेसिस तो तो में से अगर कोई भी दो चीज आपके पास गिवन है तीसरी आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेशन एंड द नेम ऑफ द रिलेशन इज आइलर फॉर्मूला आइलर फॉर्मूला क्या होता है आईलर फार्मूला आइलर फार्मूला होता है लिख लीजिएगा भाई एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू और एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू जी हाँ दोनों एक ही हैं दोनों एक ही है आप कोई सा भी एक इसमें लर्न कर सकते हो बात समझ में आ रही है दोनों एक ही है स्टूडेंट्स ये है आयलर फॉर्मूला अगर आपके पास एफ है वी है ई e नहीं है तो ई e फाइंड कर लेंगे अगर आपके पास ई e है एफ है वी नहीं है तो आप वी फाइंड कर लेंगे इन तीनों में से कोई भी अगर दो चीज है तीसरी आप आराम से फाइंड कर सकते हो ऑल राइट हेयर एफ एफ क्या है नंबर ऑफ फेसिस एफ है नंबर ऑफ फेसिस वी है नंबर ऑफ वर्टसिस V है नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड E है नंबर ऑफ एजेस दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ वी एंड ई एफ वी एंड ई अगर आपके पास एफ है वी है तो ई e फाइंड आप आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन ऑल राइट विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आई होप आपके समझ में आ गया है स्टूडेंट्स ये ऑल राइट इसको आप जल्दी से नोट करें याद करें जल्दी से इसको जल्दी से आप याद कर लें प्यारे बच्चों अच्छे से इसको याद कर लें लेट प्लीज नोट इट डाउन क्विकली एंड लर्न इट आगे काम आएगा ये जी हाँ आगे ये काम आने वाला है ओके okay, स्टूडेंट्स तो बढ़ते हैं आगे आपको आपको ये याद हो गया होगा तो स्टूडेंट्स हमने पिछली स्लाइड पर क्या किया था पिछली स्लाइड पर हमने ये देखा था फेसेस कितने देखे थे स्टूडेंट्स हमने फेसेस देखे थे भाई यहां पर Six. एजेस देखी थी भाई ट्वेल्व और वर्डसिस देखे थे भाई हमने एट चलिए आइलर फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं इसको ऑल राइट चेक करते हैं क्या ये सही है लेट्स सी क्या ये सही है तो आइलर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एफ प्लस वी एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है एफ प्लस वी माइनस ई ये याद करोगे तो ये लिखेंगे आप दूसरा वाला याद करते हो ई इधर जाके तो वो उसका आप लेफ्ट साइड लिखेंगे और राइट right, तो लेफ्ट e, साइड है एफ प्लस वी माइनस ई एफ कितने नंबर ऑफ एस इज सिक्स नंबर ऑफ वर्ट इज एट नंबर ऑफ एजेस इज ट्वेल्व सिक्स प्लस एट फोर्टीन माइनस ट्वेल्व ये आ गया है टू और टू आया है ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड हैंड्स वेरीफाइड सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड ये हो गया वेरीफाईट स्टूडेंट्स right, आया समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप चेक भी कर सकते हो आप वेरीफाई भी कर सकते हो स्टूडेंट्स और अगर आपको दो चीज गिविन है तो तीसरी आप आराम से फाइंड कर सकते हो एफ वी और ई e में से चलिए भाई तो बढ़ते हैं आगे ये हमारा हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन द गिवन फिगर वर्टिसेस कितने वर्टिसेस हैं जल्दी बताइए

वन पहले देख लो वर्टिकल वन टू थ्री फोर और फाइव राइट फाइव ध्यान रखना माइंड में नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जी हाँ फिफ्टीन एजेस एंड फेसेस हाउ मेनी फेसेस आर देयर स्टूडेंट्स फेसेस कितने हैं देखिए लेटरल फाइव एक टॉप और एक बॉटम फाइव प्लस वन प्लस वन सेवन ऑल राइट तो फेसेस हैं टेन वर्टिसेस हैं टेन सॉरी वर्टिसेस हैं टेन फिफ्टीन है एजेस uh, और सेवन है फेसेस तो रेस्पेक्टिवली में आंसर होगा टेन फिफ्टीन सेवन टेन फिफ्टीन सेवन टेन फिफ्टीन सेवन ऑप्शन ए जी हाँ टेन वर्टिसेस, फिफ्टीन एजेस एंड सेवन फेसेस। बात समझ में आई अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स कैसे एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू होना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड है एफ प्लस वी माइनस ई नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस स्टूडेंट सेवन आए थे नंबर ऑफ वर्टिसेस टेन आए थे नंबर ऑफ एजेस फिफ्टीन टेन प्लस सेवन सेवनटीन माइनस फिफ्टीन जी हाँ बिल्कुल ठीक है इक्वल टू तो में टू आ गया है ये हो गया राइट हैंड साइड वी आर एपसोल्यूटली करेक्ट इसका मतलब वी आर एप्सोलूटली राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही माइंड में चेक कर सकते हो ओके नोटेड डाउन स्टूडेंट्स ऑल राइट बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ फेसिस एजेस एंड वर्टिस ऑफ द दीडी शेप गिवन बिलो आपको चीजें फाइंड करनी है और आपको क्या करना है भाई वेरीफाई भी करना है तो भाई एक एक करके फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेसिस अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर ऑफ फेसिस नंबर ऑफ फेसिस डिनोटेड बाई कैपिटल एफ नंबर ऑफ वर्टिस F, फिर V, फिर E लेता हूं फॉर्मूला में एस ई एफ प्लस वी माइनस ई लाइक दिस ऑल राइट नंबर ऑफ वर्टिसेस कैपिटल V, नंबर ऑफ एजेस डिनोटेड बाई कैपिटल E। हाउ मेनी फेसेस आर दीर स्टूडेंट ध्यान से देखिए हाउ मैनी फेसेस आर दी एक हो गई बेस एक हो गई बेस चार हो गए लेटरल ये 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 स्टूडेंट्स ये है क्या ये क्यूब के ऊपर पिरामिड है क्यूब के ऊपर क्या है बॉस पिरामिड है राइट तो चार फेस क्यूब के लेटरल अगर मैं लेटरल फेस की बात करूं चार फेस क्यूब के प्लस चार लेटरल फेस पिरामिड के चार और चार आठ तो टोटल तो फेस कितने हो गए स्टूडेंट्स टोटल फेस हो गए आठ और एक नौ ऑल राइट टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गए हैं स्टूडेंट्स नाइन चार ये वाले चार ये वाले चार और चार आठ और एक बेस नाइन वर्टिसेस स्टूडेंट्स वर्टिसेस चार वर्टिसेस ये रहे बेस में चार ये रहे भाई मिडिल में फोर एंड फोर एट और एक ये नाइन नाइन वर्टिसेस ऑल राइट एजेस कितने हैं स्टूडेंट्स एजेस एजेस और देख लेते हैं वन टू थ्री फोर करेक्ट फाइव सिक्स सेवन एट एट तो हो गई लेटरल करेक्ट एट एजेस हो गए लेटरल और देखिए एट वन टू थ्री फोर लेट मी चेंज द कलर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जी हाँ एट और एट एट और एट सिक्सटीन टोटल हो गए भाई सिक्सटीन एजेस ऑल राइट नंबर ऑफ़ फेसिस नाइन नंबर ऑफ वर्ड इज ऑल्सो नाइन नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू सिक्सटीन अब करना है भाई वेरिफिकेशन इसको कर देते हैं अब ये था रफ वर्क अब करेंगे भाई वेरिफिकेशन चलिए थोड़ा सा भाई साहब आप साइड हो जाइए हमें वेरीफाई करने दीजिए क्योंकि इस बार हमें फेयर फेयरली वेरीफाई करना है राइट right? इस बार हमें फेयरली वेरीफाई करना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई करिए हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं हम मार्क्स भी हमें गेन करने हैं ओके okay, अब देखिए क्या करेंगे वेरीफाई आयलर फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो वेरीफिकेशन वेरीफाई कैसे करेंगे आप एक ही मात्र तरीका है वेरीफाई करने का आयलर फॉर्मूला ऑल राइट तो अब हेडिंग बनेगी वेरीफिकेशन वेरिफिकेशन टू तो वेरीफाई टू वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है बाय एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू चलिए करते हैं वेरीफिकेशन वेरीफिकेशन के लिए आपको उठाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड एल एच है स्टूडेंट्स एफ प्लस वी माइनस ई नंबर ऑफ फेसेस एफ मीन्स नंबर ऑफ फेसेस नाइन देखिए मैंने लिखा है यहां पर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि मुझे वेरीफाई करना था आगे V9 E16 9 और 9 एटीन एटीन माइनस सिक्स इक्वल टू टू जो कि हो गया भाई आर इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है ऑल राइट सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैं वेरीफाइड ये हो गया भाई Verified. Hence verified. All right, आ गया समझ में आई होप आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल इस तरह से आप करके आएंगे राइट नोट right. कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स क्लियर है बिल्कुल बहुत शानदार ये क्वेश्चन आसान सा ये क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे जल्दी से देखते हैं फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस ऑल राइट पहले आप फाइंड कर लो नंबर ऑफ फेसिस स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे करेंगे आप अगर ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर सब्जेक्टिव आएगा तो कैसे करेंगे तो आप ऐसे करेंगे ऑल राइट नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस डिनोटेड बाय कैपिटल वी नंबर ऑफ एजेस

अगर स्क्वायर तो स्क्वायर पिरामिड रेक्टेंगुलर बेस है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड अदरवाइज पिरामिड तो है ही है चलिए नंबर ऑफ फेसेस एक बेस और बेस की हर एज से बनने वाला एक फेस बेस की बेस की है चार एजेस मतलब बेस की है चार साइड हर साइड से एक बन रहा है भाई एक फेस तो चार और एक पांच चार ये हो गए लेटरल वाले और एक ये हो गया पांच ऑल राइट फोर प्लस वन फाइव फेसिस नंबर ऑफ वर्टिसेस, फोर प्लस वन फाइव वर्टिसेस. कैसे भैया कैसे वर्टिसेस देख लो एक दो तीन चार भाई क्या होते हैं वर्टिसेस? जहां पर एजेस आकर मिलती हैं और एक ये पांच नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ एजेस भी देख लो लेटरल लेटरल एज कितनी होंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऑल राइट लेटरल फोर और बेस में भी फोर फोर प्लस फोर एट क्या करना है भाई सम फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड सम F plus V plus E, F five plus five plus eight, five और five, ten और eight, एट्टीन स्टूडेंट चेक करो हमारा आंसर ठीक है क्या एफ प्लस वी माइनस ई करो टू आना चाहिए एफ प्लस वी टेन टेन माइनस एट टू बिल्कुल ठीक हमारा आंसर ठीक है एट्टीन बिल्कुल ठीक स्टूडेंट्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन बहुत शानदार सा आसान सा इक्वेशन है और राइट नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स क्विकली इकली नोटेड डाउन ओके स्टूडेंट्स तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ फेसिस नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ वर्टिस का आइलर लर्न फॉर्मूला रिलेशन किस काम आती है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है इस वीडियो में हमने कर लिया है भाई मास्टरी फेसिस एजेस और वर्टिस पर ऑल राइट स्टूडेंट्स अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट्स मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इससे पहले मैंने आपको थ्री शेप्स के बारे में समझाया था आज शेप्स के वर्टिस एजेस और वर्टिजिस एजेस और फेसेस के बारे में आपको समझा दिया है उनको वेरीफाई कैसे करना है वो भी समझ में आ गया है स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स तो इट्स टाइम टू द गुड बाय और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेट्स जी हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेट्स क्या होता है नेट्स इसके लिए बने रही आप मेरे साथ अगली वीडियो में पढ़ते हैं नेट्स ओके okay, स्टूडेंट्स तो इट्स टाइम्स से गुड बाय बट जाना नहीं है कहीं क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैगनेट ब्रेन्स मैगनेट ब्रेन अकेला एक लौटता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको इंटर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्स से सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो एन सी एर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन शॉट रिविजन वीडियोज क्विक रिविजन वीडियोज और आपको मिल जाते हैं स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं बॉस लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में जी हाँ स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री और यह सब कुछ अवेलेबल है भाई सी बोर्ड हिंदी मीडियम सी सी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सी बी एस सी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सी बी एस सी बोर्ड हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एम पी बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट पर डब्ल्यू हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ मिलेगा बॉस बिल्कुल फ्री में तो ऐप विज़िट नहीं की तो करिएगा भाई डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से जल्दी से मैगनेट ब्रेन के नेम से आपको मिल जाएगी लोगो ये रहा इतना शानदार आप देख सकते हो अपना इंटरफेस है अगर आपने वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो करिएगा डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैगनेट्रेंस डॉट कॉम वहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे भाई सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है आप यहाँ से भी पहुंच सकते हैं ओके और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और स्टूडेंट्स प्ले में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है जाइए प्ले में मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको मैथ्स मिल जाएगा और बाकी प्ले भी अवेलेबल है यहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा सब क्लासेस का ओके okay, स्टूडेंट जाइएगा और पढ़ना स्टार्ट करिएगा बहुत शानदार तरीके आपको से आपको बेहतरीन रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाया हुआ है ओके okay, स्टूडेंट्स तो जल्दी से हमें फॉलो करिए इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम पर भी और बन जाइए मैनेजमेंट फैमिली का हिस्सा इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंस आई एम मैथ्स एजुकेटर आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाय बाय बी हैप्पी कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग कीप फॉलोइंग कीप लर्निंग बाय बाय स्टूडेंट्स